नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूं। दरअसल बता दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। हालांकि इस फैसले को हम चौंकाने वाला भी कह सकते हैं। हम आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स मौजूद थे, अमित शाह से लेकर तमाम वो बड़े चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी को चुनावी रणनीतिकार के तौर पर बनाने में कामयाब रहते हैं। हम तमाम राज्यों की बात कर लें तो तमाम राज्यों से ऐसे महत्वपूर्ण लोग भी इस बैठक में शामिल थे जो भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त की रीढ़ मानी जाती है। ऐसे में हम आपको ये बता दें कि आज जो फैसला हुआ है वो काफी हैरान और चौंकाने वाला है। दरअसल हम आपको बता दें कि संसदीय बोर्ड के बैठक में आज संसदीय बोर्ड के इतिहास से आज दो नामों को अलग कर दिया गया है। जी हाँ, और वो दो नाम बहुत छोटे नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े चेहरे माने जाते हैं। हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड के इस कमिटी से हटा दिया गया है। जी हाँ, सही सुना आपने, यही दो बड़े चेहरे। आज ये बहुत चौंकाने वाला फैसला रहा है। दरअसल हम आपको बता दें, ये बैठक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया जा रहा था और इस बैठक का समय आज सुबह 11 बजे से ही शुरू हो गया था। हम आपको बता दें कि संसदीय बोर्ड के इस बैठक के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश में अपना परचम लहराया है और तमाम राज्यों में जैसे अपनी सीटें बनाई हैं, उसी तरह से और ज्यादा कैसे भारतीय जनता पार्टी के सीटों को विकसित किया जाए, खास तौर पर जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर के नेताएं हैं, उनको किस तरह से आगे ले जाकर भारतीय जनता पार्टी का कद और बड़ा करना है, इन तमाम मसलों पर आज बैठक हो गई। हम आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज केंद्रीय कमेटियों की बैठक हुई है। जैसा कि मैंने चर्चा किया कि पहले भी इस बैठक में कई ऐसे बड़े चेहरे शामिल थे, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही बताई जा रही है कि इस फैसले में जो ये दो नाम यानी कि नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड के कमिटी से हटाना चौंकाने वाला है। हालांकि अब इस पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, जो नए सदस्य बनाए गए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में एक बार फिर नए सदस्यों को भी शामिल किया गया है जो कि भारतीय जनता पार्टी में या तो इस साल जुड़े हैं या फिर कोई ऐसे चेहरे भी हैं जो शुरू से काम कर रहे हैं। हम आपको चलिए बताते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनको एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की कमेटी में शामिल किया गया है। दरअसल हम आपको बता दें कि जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को वोट से हटाया गया है, तो वहीं वीएस येदुरप्पा, सुधा यादव और ऐसे कई बड़े नाम हैं जिनको संसदीय बोर्ड में इस बार शामिल किया गया है। चलिए अब हम आपको वो एक एक करके चेहरे दिखा दें जो इस बार संसदीय बोर्ड में शामिल किए गए हैं। जगत प्रकाश नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदुरप्पा, सर्वदान सोनेवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव। तो साफ तौर पर आपने सुना और देखा कि ये वो बड़े चेहरे हैं जिनको इस बार भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर कैसे आने वाले समय में जो कद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ाना चाहते हैं और जिस तरह से देश में भारतीय जनता पार्टी का कद वो बड़ा करना चाहते हैं, ये वो तमाम मिलकर आगे की रणनीति को कैसे सही रूप में ले जा सकते हैं। लेकिन अंत में फिर से एक बार चलते चलते हम आपसे यही कहेंगे कि जिस तरह से आज संसदीय बोर्ड की कमेटियों से ये दो नाम हटाए गए हैं, कहीं आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी के नासूर साबित ना हो जाए। फिलहाल तमाम राजनीतिक और अलग तरह की खबरों के लिए आपको देखना जरूरी है। आप बने रहिए द न्यूज 15 के साथ। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। नमस्कार।